तुम्हें कब से कॉफी पी सकते हैं हम? लेट्स रिव्यू शादी में जरूर आना। कानपुर की गलियां छोटे शहरों की सादी मगर रंग बिरंगी जिंदगी, घर में माँ बाप का बच्चों से जुड़ा हर फैसला लेना, बेटियों को ज्यादा पढ़ाने से डरना, बेटों के बाप का सीना चौड़ा और माँ की लंबी जुबान होना, सरकारी नौकरियों का प्राइवेट नौकरियों से ज्यादा खास माना जाना और शादियों में दहेज के इलीगल होने के बावजूद खूब खूब लेन देन होना। बड़े शहर की जिंदगी स्मॉल टाउन लाइफ से अलग होती है, दोनों के अपने चार्म हैं। अगर आपको बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान और निलबटे सन्नाटा पसंद आई थी तो ये फिल्म भी करीब करीब आपको पसंद आएगी। बंदा यानी आरती शुक्ला छोटे शहर की है मगर एमए करने इलाहाबाद गई, जिसके लिए उसके पापा आज तक उसकी माँ को ताना देते हैं। वो शादी के बाद नौकरी की परमिशन मांग रही है, हस्बैंड के साथ दोस्ती का रिश्ता रखना चाहती है। ये फिल्म जिंदगी की छोटी छोटी ख्वाहिशों और ख्वाबों के बारे में है, मगर दहेज और एक लड़की का पीसीएस एग्जाम्स क्लियर कर लेना शादी तोड़ने का सबब बन जाता है, क्योंकि उसकी सास उसे काम नहीं करने देगी। सोचिए आज की तारीख में हमारे देश में ये इतनी सी बात इतनी बड़ी है कि इस पर करोड़ों के बजट वाली फिल्म बनती है। खैर, सत्येंद्र यानी सत्तू यानी राजकुमार राव को ये सब मंजूर है, लेकिन जैसा कि ज्यादातर फैमिलीज में होता है, माँ की परमिशन नहीं तो हस्बैंड मजबूर खड़ा होगा। आई सैल्यूट द डायरेक्टर रत्ना सिन्हा एंड द प्रोड्यूसर्स कि उन्होंने लड़कियों से जुड़ी इस बड़ी परेशानी को ड्रामेटाइज करके मेन स्ट्रीम सिनेमा बनाया। बेटी को पढ़ाना चाहिए बेटों की तरह, तो हम पढ़ा देते हैं उसे। इतना पढ़े हैं, एमए टॉप किया है, हम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते। बार बार इतना अच्छा रिश्ता हम आपके लिए ढूंढ के नहीं ला सकते हैं। फिल्म में सब कुछ तेजी से आगे बढ़ता है, स्क्रीन प्ले राइटर ढिलाई की जरा भी गुंजाइश नहीं छोड़ते, विच इज अ रिलीफ। डायलॉग्स आम भाषा वाले हैं एंड द मैन इन क्वेश्चन राजकुमार राव छोटे शहर की मासूम क्लर्क को बहुत खूबसूरती से निभाते हैं। शादी टूटने के सालों बाद जब दोनों मिलते हैं तो दूल्हा अपनी दुल्हन से इंतकाम लेता है। अ फेमस फिल्म कॉल्ड स्लीपिंग विद द एनिमी टेल्स अस हाउ एडवेंचरस दिस टेल कैन बी। ऑल्सो खून भरी मांग, इस फिल्म में दोनों का इंतकाम रखा गया है यूपी की ब्यूरोक्रेसी के बैकग्राउंड में, जहां क्लर्क टर्न्ड इनटू आईएएस ऑफिसर शेक्स अप द पीसीएस ऑफिसर आरती शुक्ला, क्योंकि वो एक स्कैम में अक्यूज्ड है। बट ऑनेस्टली जो ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए गए हैं उनकी बेवकूफियों को आपको नजरअंदाज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह अपने ओहदे का फायदा आजकल कोई नहीं उठा सकता। एट द सेम टाइम सेकेंड हाफ में कहानी को नए नए मोड़ देकर काफी खींचा गया है, प्लस द क्लाइमैक्स इज क्वाइट अनरियल। मगर ये कि सिर्फ छोटे शहरों की जिंदगी की एक खूबसूरत तस्वीर अगर आपको देखनी हो विद लवली परफॉर्मेंसेज बाय सीनियर एक्टर्स लाइक के रैना, गोविंद नामदेव, नवनी परिहार, मनोज पाहवा, विपिन शर्मा, तो ये एक डिसेंट वॉच है। सिवाय इसके कि इसकी मेन थीम और गाने की ये लाइन ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी मुझे बहुत डेंजरस लगी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। प्यार में ठुकराए जाने के बाद बदले की बात आज के दौर में बिग स्क्रीन पर is not cool, but in this case it does make for a good drama film. I'm going with 2.5 thumbs up.